हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरव झा और एजाज खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या लफड़ा हो गया था, कैसे एजाज खान यूट्यूबर्स को धमकी दे रहे थे। तो इस पे पूरव झा ने एक पैरोडी वीडियो बना दी, पर जब एजाज खान ने वो देखी तो एजाज खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो पूरव झा को और उनके घर वालों को गंदी गंदी गाली देने लग गए। पर एजाज खान ने अभी थोड़े दिन पहले ही माफी मांग ली थी, पर उन्होंने पूरव झा से नहीं मांगी थी बल्कि उनके घर वालों से मांगी थी। तो दोस्तों, ये लफड़ा खत्म हो गया, पर पूरव झा ने एक बार फिर से एजाज खान को रोस्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो पूरव झा ने एजाज खान को रिप्लाई करा। तो बेसिकली पूरव झा ने एजाज खान को ये जो सारा लफड़ा हुआ था इस पे रिप्लाई करा अपनी उसी पैरोडी वीडियो के एंड में। तो पूरव झा ने क्या कहा जरा देखिए। बाकी देखो भाई, कोई हेट हुट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? कोई किसी को इधर गाली नहीं देगा, कोई मेरी जनता नहीं, कोई दूसरे की जनता नहीं, कोई किसी को गाली गलौज नहीं। भाई मजे करो, वीडियो है, एंटरटेनमेंट है, फन के लिए लो, फन के लिए बात खत्म करो, ठीक है? कोई मेरे को, तुम्हें पता है भाई, तुम्हारा भाई ना ये लफड़ाबाजी फसड़ों में इन सब चीजों में नहीं पड़ता, ठीक है? फालतू की कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं चाहिए, अपने पास बहुत काम है, टैलेंट टूलेंट भी है थोड़ा बहुत भगवान की दया से, तो अपने को वो करने। ये जो मार्बल के फैंस मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं ना कि आरडीजे मार दिया, क्रिस एवेंस मार दिया, तुम्हारा ये आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मुझे किसी यूनिवर्स में मिला ना तो इनको मैं लेके आऊंगा, इनको लेके आऊंगा, चाहे डूम के रूप में लाओ, टॉर्च के रूप में लाओ, लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबसे, ठीक है? अरे ओची लोग हैं हम लोग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अरमान मलिक की पहली वाइफ पायल मलिक की। तो आपको पता ही होगा कि इनको आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्सपोज करा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो इनके व्लॉग के थंबनेल होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लिक बेट वाले होते हैं। दरअसल हाल ही में इन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि जब अरमान बाहर आएंगे तो मैं उनसे डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। पर दोस्तों, ये सुनने में कितना फुलिश लगता है, आप कैसे लोगों की बातों में आकर अपनी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर जो पीपो है उन्होंने पायल मलिक को और अरमान मलिक के पूरे परिवार को एक्सपोज करके रख दिया। तो क्या कहते हैं पीपॉय जरा देखिए। पब्लिक वन टिकट बोल के इन चीजों को जस्टिफाई करना बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है और बहुत वीक डिफ्लेक्शन है। पायल भाभी, तुम्हारे रिलेशनशिप की अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको मैनेज करो ना। पब्लिक के डिसीजन है, तुम अपना डिसीजन चेंज करोगे? कितने बेवकूफ हो। पब्लिक का ओपिनियन इतना मैटर करता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के डायनेमिक्स वो इफेक्ट कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे किसको बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ के डायनेमिक्स बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते अगर आप एक्चुअली में कंसर्न हो अपनी रिलेशनशिप के बारे में या अपने बच्चों के बारे में। देखो, आप लोगों ने पब्लिक लाइफ चूज करी है, ऐसे पब्लिक रियलिटी शो में गए हैं, तो इसको समझो कि आप पब्लिक आई में हो और पब्लिक क्रिटिसाइज भी करेगी, प्यार भी करेगी तो क्रिटिसाइज भी करेगी, उसके लिए तैयार रहो। लॉजिक के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स रखो, ना कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। और जनरल रेजोल्यूशन पता कैसे आएगा, तुम्हें रिलेशनशिप की अपनी इतनी चिंता है, तो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक में हर चीज बोलने के बजाय इंटेग्रिटी, प्राइवेट इंटेग्रिटी के साथ उन चीज को डील करो और सही डिसीजंस लो। जब अरमान कृतिका है तो उनसे बात करो, ना कि पब्लिक में हर चीज डिस्कस करो। पब्लिक में आप हर चीज इसलिए डिस्कस करते हो क्योंकि आपको उस चीज से व्यूज चाहिए, बिकॉज यही एक तरीका है जिसने आपको फेम दिया है। तो आपको पता है कि हर चीज के बारे में एक क्लिकबेट थंबनेल बनाना है, टाइटल बनाना है और उस पर बात करनी। पर आई एम हियर टू डीकोड एंड show the reality of you guys to the people and that's what my content stands for. अब इस बात का अगर जवाब हो तो पायल जरूर बोलना। और ये जो धमकियां हैं जो तुम दे रही हो आजकल, मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं यहाँ पे दे रही हूँ कंप्लेंट। ये बच्चों को दे देना, मेरे को लॉजिक चाहिए है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एलवी शादव और लव कटारिया की। तो आपको पता ही है कि एलवी शादव के दोस्त लव कटारिया अभी समय बिग बॉस के घर के अंदर है, पर दोस्तों लव कटारिया बिग बॉस के घर से इविक्ट हो सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो एलवी शादव का फैन बेस है वो थोड़ा कट्टर टाइप का है, मतलब अगर एलवी शादव कोई फंसते हैं या लव कटारिया जैसे बिग बॉस के घर में फंसे वोटिंग को लेकर, उनको वोटों की जरूरत थी तो जो एलवी शादव के फैंस थे वो सीधा जाते थे जियो सिनेमा पर और वो लव कटारिया को भर भर के वोट करते थे। मतलब दोस्तों, एलवी शादव का बहुत ही बढ़िया फैन बेस है। पर दोस्तों, इसी फैन बेस की वजह से कटारिया बिग बॉस के घर से इविक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कल बिग बॉस की तरफ से वोटिंग कराई गई थी जियो सिनेमा पर और वहां पे लिखा गया था किस नॉमिनेटेड सदस्य को घर से बेघर होना चाहिए। मतलब दोस्तों, बिग बॉस ने अब की बार गेम ही पलट दी, उन्होंने अब की बार लोगों से ये कहा कि आप किस कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर में नहीं देखना चाहते, तो आप जिसको जितना ज्यादा वोट करोगे वो कंटेस्टेंट घर से इविक्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, जो एलवी शादव और लव कटारिया के फैंस हैं उन्होंने ये ऊपर की लाइन देखी नहीं और वो सीधा कटारिया पे ही वोट कर जा रहे थे बार बार, और उन सारे फैंस को ये लग रहा था कि वो वोट करके कटारिया को इविक्ट होने से बचा रहे हैं। लेकिन लोगों ने तो ऊपर पढ़ा ही नहीं था कि अब की बार बिग बॉस ने वोटिंग इसलिए कराई थी कि आप किस कंटेस्टेंट को घर से निकालना चाहते हो। तो एलविश और लव कटारिया के फैंस ने गलती से कटारिया को वोट कर दिया। तो इस पे एलविश यादव और उनके फ्रेंड्स ये डिमांड करते हैं पब्लिक से, भाई ऐसा मत करा करो, पहले ऊपर पढ़ लिया करो कि किस चीज के लिए वोटिंग हो रही है। और आगे क्या कहा एलविश यादव ने जरा देखिए। भाई, जो क्वेश्चन चल रहा है जियो सिनेमा पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारिया को वोट मत करो। भाई तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को,
तो इस चीज में पढ़ पढ़ के करो सारी चीजें, पढ़ के ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना, नहीं भाई। जय श्री राम भाई, सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि टेक और में क्वेश्चन चल रहा है कि आप किसको घर से बाहर निकालना चाहते हो, और आप लोगों ने भाई बिना पढ़े लवकेश कटारिया को वोट कर दिया है। इस वाले टेक और में भाई लवकेश कटारिया का वोट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वोट करोगे तो भाई वो घर से बाहर हो जाएंगे, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो भाई क्वेश्चन ये है कि आप किसको घर से बाहर करना चाहते हो, तो भाई लवकेश भाई के अलावा हम सबको घर से बाहर चाहते हैं। तो भाई जब भी आप वोट करो बस ये ध्यान रखना कि किसने हमारे भाई के साथ गलत करा, किसने हमारे भाई को हाथ लगाया, किसने हमारी माँ को गाली दी, क्योंकि भाई देखो उसका मुंह चल रहा है, उसने हमारी माँ को गाली दी, उसने हमारे भाई के साथ मतलब बदतमीजी करी, हाथ चलाए, तो भाई आप उसको अपने वोट की पावर दिखा दो, अपनी पावर दिखा दो, और भाई बाकी आपको पता है किसको वोट करना है, किसको नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिग बॉस अबकी बार गेम खेली है, उन्होंने अबकी बार लोगों से कहा है कि आप किस कंटेस्टेंट को नहीं देखना चाहते, और अगर उस बंदे को ज्यादा वोट आएंगे तो वो घर से बेघर हो जाएगा। तो मैक्स चेन ने इसी चीज को लेकर अरमान मलिक का मजाक उड़ाया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और बोला पब्लिक से कि मैंने आज तक आपसे कभी वोटिंग के लिए नहीं मांगा, पर आज मैं चाहता हूं कि आप अरमान मलिक को भर भर के वोट करें और उसको जाके सपोर्ट करो। तो आपको पता ही है कि मैक्स चेन किस वे में कह रहे थे जिससे अरमान मलिक बाहर निकल जाए। भाई मैं अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहा हूँ, सब लोग जाके अरमान भाई को वोट कर दो भाई, ठीक है? अभी जाओ जियो सिनेमा पे, वोट फॉर अरमान मलिक भाई। किसी को वोट मत दो, कटारिया कोई मत दो, समा मकबूल कोई मत दो, ये सब ऐसे कह रहे हैं। अरमान भाई को दो भाई वोट अभी की अभी।